अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप उसे देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिजाइनर बैंड नेक विद पाइपिंग एंड बटन्स, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ ऑफ फ्रंट नेक 3 इंच, लेंथ ऑफ बैक नेक 7 इंच, नेक विड्थ 5.5 इंच। तो मैंने अपनी मेजरमेंट के अनुसार अपने फैब्रिक में से शर्ट की कटिंग कर ली है और ये हमारी स्लीव्स हैं। अब हम बुकरम से नेक की कटिंग करेंगे। पहले मैं बैक नेक की कटिंग करूंगी, तो आप बुकरम को हम उतना फोल्ड करेंगे जितनी हमारी नेक विड्थ का हाफ प्लस 1 इंच है। नेक विड्थ है हमारी 5.5, उसका हाफ हो जाएगा 2.75 और 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3.75। तो हम इस बुकरम को 3.75 इंच फोल्ड करके उसके बाद प्रोसीड करते हैं। अब हम क्लोज पार्ट से विड्थ वाइज लेंगे, नेक विड्थ का हाफ का एक निशान लगाएंगे जो है 2.75 इंच, और यहाँ से हम नेक लेंथ प्लस 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। बैक नेक है हमारी 7 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 7.5 इंच, और इधर से हम 2.75 इंच लेकर के बॉक्स बनाएंगे। पहले और अब हम यहाँ से यहाँ इसका सेंटर निकाल लेंगे, तो इसका सेंटर लगभग 3.75 इंच आएगा। ऐसे एक मार्क लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ से कुछ नहीं लेते हुए इसके सेंटर तक इस प्रकार रोटेशन देंगे और इधर से इसको ऐसे राउंड शेप देंगे। अब इस शेप से 1 इंच एक्स्ट्रा दूसरी लाइन का मार्क लगाएंगे और इसको भी राउंड शेप में कवर अप करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब पहले हम इसको रिमेनिंग फैब्रिक पर पिन अप करेंगे और उसके बाद ये हमारा बैक पीस है, इस पर हम ऐसे करके इसको पेस्ट करेंगे। ये नेक पेस्टिंग और पिन अप करना मैंने आपको पहले भी बता रखा है। पिन अप करने के बाद अब हम इसके बीच में सिलाई लगाएंगे और इसको कट करके स्मॉल कट्स लगाएंगे। अब हम इसको रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे और इसकी साइड साइड में एक टेम्परेरी स्टिचिंग लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी साइड में ये पाइपिंग लगाएंगे। अब हम इस नेक राउंड में ऐसे रख करके बिल्कुल इसकी साइड साइड में स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारी पाइपिंग लग जाएगी।
बैक नेक कंप्लीट करने के बाद अब हम फ्रंट पीस पे आएंगे। यहाँ पर हम अपनी नेक विड्थ से थोड़ा सा कम यानी कि 2.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और नेक लेंथ फ्रंट की हमारी है 3 इंच, तो हम 3 इंच पे मार्क लगा के बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम अपनी नेक राउंड की कर्विंग देंगे। और इसकी कटिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले इसके शोल्डर जॉइन करेंगे राइट टू राइट मैच करके और उसके बाद हम इसमें बैन लगाना बताते हैं। शोल्डर जॉइंट हमारे नेक विड्थ के बराबर होंगे यानी कि इससे यहाँ से इतना सा कम, यहाँ तक हम इसको जॉइन करेंगे। अब हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इस प्रकार इसका मेजरमेंट लेंगे और जितना ये मेजरमेंट आएगा उतनी हम बैंड नेक की कटिंग करेंगे। ये लगभग 15.2 इंच आया। हमने ये हार्ड फ्यूजन पेपर 15.2 इंच कट कर लिया है। अब हम इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और लेंथ में ये हम 1 इंच के करीब रखेंगे। और ओपन साइड से हम इसकी हल्की सी ऐसे रोटेशन देंगे। अब हम इस एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर लेंगे। ये हमारा बैन नेक तैयार हो गया। अब हम इसकी दोनों साइड फैब्रिक को अटैच करेंगे। एक साइड का फैब्रिक पर टेम्परेरी स्टिचिंग करने के बाद अब हम ये पाइपिंग को इसके साथ इस प्रकार यहाँ से ऐसे और ये बुकरम को फील करते हुए ऐसे रोटेट करके इसकी सिलाई के साथ साथ स्टिच करेंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड का फैब्रिक इसके ऊपर लगाएंगे। पहले ये स्टिचिंग करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। प्रॉपर स्टिचिंग के लिए हम ऐसे फोल्ड करके फैब्रिक को चॉक मार्क का निशान लगा लेंगे। बाद में इसको ओपन करके इस चॉक मार्क के ऊपर ऐसे रख करके ये पाइपिंग की स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद हम उतने ही फैब्रिक दूसरी साइड के लिए भी लेंगे और अब इसको राइट टू राइट मैच करके इस प्रकार रखेंगे और जो हमने रिसेंटली जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हम इसको स्टिच कर देंगे। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हम इसमें कट्स लगाएंगे और ये हमारी स्टिचिंग इतनी ओपन होनी चाहिए इधर से। अब हम इस प्रकार इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो ये हमारी पाइपिंग निकल आएगी बैक नेक के ऊपर के लिए। अब हम जैसे हम बैन नेक्स लगाते हैं सेंटर पॉइंट निकाल करके और फ्रंट पीस का भी हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर को सेंटर से और राइट को राइट मैच करके हम अब बैन नेक की स्टिचिंग करेंगे।
ये हमारे फ्रंट नेक का सेंटर है और ये हमारे कॉलर का सेंटर है। ऐसे सेंटर को सेंटर से मैच करना है। और एक साइड से स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड तक ऐसे स्टिचिंग करनी है। अब हम इस स्टिचिंग में जो हमारे नेक पोर्शन की है इसमें हम कर्ल्स लगाएंगे। इस प्रकार से सारे नेक में कर्ल्स लगाने के बाद इसको हम अंदर फोल्ड करेंगे ऐसे, और ये बुक फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके इस नेक के साइड साइड में स्टिचिंग करेंगे। ये बैन नेक की स्टिचिंग मैंने आपको पहले भी बता रखी है। ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें लूप बना करके बटन लगाना आपको बताती हूँ। फ्रंट पार्ट में बैन कंप्लीट करने के बाद अब हम इस प्रकार एक लूप तैयार करेंगे और लगभग ये 3 इंच कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे ज्वाइन करके यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे इसको यहाँ स्टिच कर देंगे। लूप लगाने के बाद अब हम एक बटन लेंगे और जो हमने ये स्टिचिंग की है इसके ऊपर हम इस बटन को हैंड स्टिच कर देंगे और ये दूसरा बटन हम दूसरी साइड स्टिच करेंगे ताकि ये लूप के अंदर ऐसे फिक्स हो जाए। ये हैंड स्टिच करने के बाद मैं इस कमीज की बाकी साइड की स्टिचिंग और बाजू ज्वाइन करने के बाद इसको कंप्लीट करके इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद। Thank you.